असिस्टेंट सेक्रेटरी का जो ऑर्डर आया है उस पर आपका क्या कहना है? ये जो भारतीय जनता पार्टी ने दिवाली के पहले सैकड़ों लोगों के घर बार उजाड़े हैं, नौकरियां छीनी हैं, ये दिवाली के पहले का किया गया पाप है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। भारतीय जनता पार्टी भाषण देती है, मैनिफेस्टो बनाती है तो नौकरियां देने की बात करती हैं, लेकिन 30-30 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे लोगों को इस तरह से हटाना भारतीय जनता पार्टी को उनके अपने चरित्र को शोभा देता होगा, लेकिन दिवाली के पहले इतने सारे लोगों की नौकरी छीन लेना बेहद शर्मनाक है और अमानवीय है। ये घटना अपने आप में इस बात को बताती है कि भारतीय जनता पार्टी नौकरियों के खिलाफ है। सरकार में नौकरियां देने के, सरकार में जो लोग नौकरियां कर रहे हैं उनको नौकरियों से निकालने के पक्ष में रहती है, लोगों को रोज़गार देती नहीं है, जो लगे हुए हैं उनकी नौकरियां छीन रही है। ये सारे लोग बड़ा शानदार काम कर रहे थे, ये सारे लोग वो लोग हैं जो किसी न किसी रूप में लोगों की मदद कर रहे थे, महिलाओं की मदद कर रहे थे, और आज से नहीं 30-30 साल से काम कर रहे थे, इनको भारतीय जनता पार्टी ने एक झटके में नौकरी से निकाल दिया, वो भी दिवाली के पहले। इनके घर तो दिवाली कैसे मनेगी, मातम मनेगा इनके घर, और भारतीय जनता पार्टी अब किस मुंह से बात करेगी कि वो नौकरियां देने की बात करती है जब वो नौकरियां छीन रही है। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी की सरकार इनके साथ खड़ी है और इनको बहाल करने के लिए जो भी करना होगा वो करेगी।